नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन नवभारती स्टडी सर्किल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th आरबीएससी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बाई लैंग्वेज बीएसटी व्यावसायिक अध्ययन सब्जेक्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं 11th क्लास कॉमर्स बीएसटी फर्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए बीएसटी बिजनेस स्टडी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस आपके जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, इस फर्स्ट चैप्टर में हम बिजनेस के बारे में जानेंगे कि आखिरकार जो बिजनेस जो है ये बिजनेस क्या है। ठीक है, ये बिजनेस के क्या तो इसका नेचर है, ठीक है, और इस बिजनेस का क्या इसका ऑब्जेक्ट है, इसका नेचर कैसा होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार बिजनेस होता क्या है और बिजनेस जो है इसका हमारी लाइफ के अंदर क्या योगदान है। तो चलिए चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की ओर। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब मानव प्राणी है और जितने भी मानव प्राणी है ह्यूमन बींग्स है उनकी कुछ नीड्स होती है। ठीक है, और ये जो नीड्स होती है वो उन्हें डू समथिंग कुछ ना कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सम नीड्स एंड नीड्स मोटिवेट एंड नीड्स क्या करती है, मोटिवेट किसके लिए, मोटिवेट डू समथिंग कुछ ना कुछ करो। ये जो हमारी नीड्स है ये हमें कुछ ना कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अगर इस डू समथिंग को हम एक्टिविटी कहेंगे तो ठीक है, बेटर रहेगा। डू समथिंग, अब डू समथिंग की बात करते हैं, कोई ना कोई काम के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर हम बात करें काम की तो दुनिया के जितने भी काम है उन सभी तमाम कामों की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ द वर्क, देखिए इसको और इजी वे में समझेंगे कि डू समथिंग मीन्स एक्टिविटी और वर्क, कोई ना कोई काम करते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। अगर बात करें इस वर्क की तो ये जो वर्क है इस वर्क को अगर हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल और सेकंड इज नॉन इकोनॉमिकल। आर्थिक और दूसरा है अनार्थिक। आर्थिक और अनार्थिक, हमने जितने भी काम है उन सभी कामों को दो भागों में बांट दिया। पहला काम होता है आर्थिक और दूसरा काम होता है अनार्थिक। इट मीन्स एक्टिविटीज जो है, जो भी हमारी गतिविधियां हैं उन तमाम एक्टिविटियों को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक आर्थिक एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल की और नॉन इकोनॉमिकल की तो ध्यान रखना 90% जो काम होता है वो होता है इकोनॉमिकल, 10% जो काम होता है वो होता है नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कम होती है। क्यों होती है कम, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल एक्टिविटी।
जब तक ये नहीं होंगी तब तक ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो फिर अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती क्या है और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती क्या है, इन दोनों का मीन्स क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए चलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी की ओर। तो वो सभी एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज दैट्स मेन मोटिव इज अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट या अर्निंग मनी। जो मनी ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती है या जिनका मेन पर्पस धन कमाना होता है, ठीक है, या जिनका मेन मोटिव जो है, मेन उद्देश्य जो है वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाना होता है, उन सभी गतिविधियों को, उन सभी एक्टिविटीज को हम किस नाम से पुकारते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, ट्यूशन में पढ़ाता है, कोचिंग कराता है, जो भी है, ठीक है। अगर वो एक्टिविटी कर रहा है तो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, उसका उद्देश्य सेवा देना है, लेकिन सेवा देने के साथ साथ उसका एक उद्देश्य धन कमाना भी है, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। एक शॉपकीपर जो कि शॉप खोल करके बैठा हुआ है, वो लोगों की सेवा भी कर रहा है, ठीक है, नो डाउट उन्हें जो चीज अवेलेबल हो, जो चीज की आवश्यकता है उनको चीज अवेलेबल भी करवा रहा है, लेकिन वह उसके साथ साथ उसका उद्देश्य पैसा कमाना भी है। डॉक्टर है, सीए है, वकील है, टीचर है, जो भी व्यक्ति किसी न किसी एक्टिविटी में लगी हुई है, हर व्यक्ति को आप देखोगे तो आपको दो ही चीज नजर आएगी कि या तो वो पैसे कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा होगा या वो सेवा भावना के उद्देश्य से पैसे कमाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा होगा। तो जो व्यक्ति पैसे कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा है उस व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया को हम आर्थिक गतिविधियों में शामिल करेंगे। क्लियर। आगे बात करें कि नॉन इकोनॉमिकल या अनार्थिक गतिविधियां क्या होती है। दुनिया में सारे काम पैसे कमाने के लिए नहीं होते, कुछ गतिविधियां ऐसी भी होती है जो पैसे कमाने के लिए नहीं अपितु हम सेवा भाव, जन कल्याण की भावना से, सोशल वेलफेयर, हम कुछ काम ऐसे भी करते हैं जो कि वेलफेयर की भावना से करते हैं, समाज का कल्याण हो, या कुछ काम इसलिए करते हैं ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो, या कुछ काम हम लव और अफेक्शंस, प्यार और सहानुभूति उसके लिए भी करते हैं, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा करना अच्छा लगता है, रास्ते में कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, हमने उसको उठा दिया उंगली पकड़ के, ठीक है, या हमने उसको सहारा दे दिया, किसी की मोटर बाइक बंद हो गई, उसके धक्का लगवा दिया, तो ये काम इकोनॉमिकल नहीं है, ये काम कैसा है, सेवा भाव का है, और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा करना हमको अच्छा लगता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, या फिर इससे समाज की सेवा हो रही है, समाज को प्रोत्साहन मिल रहा है, या फिर जैसे देखा होगा कि कई लोग कच्ची बस्ती में या फिर कहीं पर भी जाकर के लोगों के, जैसे एक दिन डॉक्टर, कुछ डॉक्टर साहब जिन्होंने जाकर एक दिन कच्ची बस्ती में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा दिया, ठीक है, या फिर कुछ स्कूल से ऐसे चलते हैं जिनमें पुअर बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, ना तो गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, ना खुद और किसी लेते हैं, केवल खुद भुगतते हैं वो, कि ठीक है हमारे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से एक बच्चा, उसकी आर्थिक कंडीशन बहुत बुरी है, अगर वो हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ लेगा तो उसका भी भला हो जाएगा, हम उसे एक बच्चे से फीस नहीं लेंगे, तो वो क्या है, वो सेवा भावना है, ठीक है। तो ऐसी गतिविधियां जिनमें पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, या ऐसे लेके चले कि आपके पापा ने आपके बर्थडे पर आपको जो गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट के बदले में आपके पापा आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, तो पैसे नहीं मांगेंगे इसके मतलब, इसका मतलब ये कि आपके पापा आपसे प्यार करते हैं, और उन्होंने उस लव, उस अफेक्शन के कारण आपको क्या दिया, गिफ्ट दिया। तो ये कौन सी गतिविधि है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है। आगे चलते हैं, नॉन इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है आर्थिक जो क्रिया है उस आर्थिक क्रिया को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया,
सबसे पहला है वो है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है सर्विस या जॉब। सर्विस या जॉब, तो हमने बात की बिजनेस, प्रोफेशन एंड सर्विस। ऑल ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, एंड थर्ड इज सर्विस या जॉब। देखो प्रोफेशन जो है एक नई स्ट्रीम है, एक नई विचारधारा है, ठीक है। यह बिजनेस का ही एक पार्ट था पहले, लेकिन वर्तमान समय में प्रोफेशन अपने आप में एक अलग महत्व है, ठीक है। तो तीन भागों में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को हमने डिवाइड किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड सर्विस। अभी हम सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि बिजनेस होता क्या है, ठीक है, और प्रोफेशन क्या होता है और सर्विस जॉब क्या, ठीक है। सबसे पहले बात करें बिजनेस, तो बिजनेस जो वर्ड है ये BUSY, बिजी रहने से बना है। किससे बना है? बिजी रहने से बना, व्यस्त रहने से बना है। कि एक व्यक्ति है वह अपने किसी न किसी काम के अंदर बिजी रहता है, कोई पढ़ाने के अंदर बिजी रहता है, कोई खेती बाड़ी करने के अंदर बिजी रहता है, कोई शॉप चलाने के अंदर बिजी रहता है, कोई वकील है तो अपने वकालत में बिजी रहता है। कि एक व्यक्ति जो किसी न किसी काम में बिजी रहता है तो उसे क्या बोला गया? बिजनेस। तो बिजी शब्द से बिजनेस वर्ड जो है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये तो हो गए इस वर्ड की उत्पत्ति का आधार। अब आगे हम बात करते हैं कि बिजनेस होता क्या है। तो देखिए बिजनेस जो है, बिजनेस में सबसे पहली चीज जो लागू होती है वो लागू होती है प्रोडक्शन। बिजनेस की पहली एक्टिविटी है कि बिजनेस में जहां भी होगा वहां पर क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन होगा, निर्माण कार्य होगा, सृजनात्मक कार्य होगा, ठीक है। दूसरी बात करें तो बिजनेस में होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या? एक्सचेंज का मतलब है एक चीज ली जाती है और दूसरी चीजें दी जाती है। इसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको परचेज एंड सेल्स, क्या कहेंगे? परचेज एंड सेल्स। तीसरे अगर हम बात करें तो तीसरा जो है इसका जो मेन जो मोटिव जो होता है, ठीक है, इसका मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट, इसका जो मेन मोटिव है बिजनेस का वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। आगे अगर हम बात करें, इसमें अगर रिस्क की बात करें तो इसमें होता है मनी लॉस। बिजनेस में अगर रिस्क होती है तो सबसे ज्यादा रिस्क अगर होती है तो होती है मनी लॉस, धन का नुकसान होता है, ठीक है। तो हमने बात की कि बिजनेस क्या चीज है, तो बिजनेस में सबसे पहली बात की प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन क्या होता है? तो उत्पादन में जो थिंग्स है, जो हमारी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज में यूटिलिटी डेवलप्ड की जाती है, उनमें यूटिलिटी, उनको उनमें उपयोगी जो उपयोगिता जो है उनमें उपयोगिता बनाई जाती है, उनको उपयोगी बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी जो है, उस मिट्टी से पॉटर ने एक पॉट बना दिया, एक अच्छा सा पॉट तैयार कर दिया। कारपेंटर ने एक लकड़ी के टुकड़े से एक बहुत अच्छा पपेट बना दिया, या मान लो कोई खिलौना बना दिया, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि उस लकड़ी के टुकड़े पर, मान लो जो सुनार है उसने सोने से कोई अच्छी सी कोई ज्वेलरी तैयार कर दी, या लोहार जो है उसने कोई लोहे के टुकड़े से कोई अच्छी सी डिजाइनिंग तैयार कर दी, मान लो कोई अच्छा सा औजार बना दिया। तो ये क्या है? प्रोडक्शन है, चीजों का निर्माण कार्य करना, चीजों को तैयार करना। या किसान जो है, किसान ने खेती करके फसल उत्पादित करके नई फसल जो है, एक मुट्ठी बाजरे से उसने एक बोरी अनाज पैदा कर लिया। तो ये क्या है? ये प्रोडक्शन है। एक्सचेंज मींस परचेज एंड सेल्स, चीजों को खरीदना और चीजों को बेचना। रिसोर्सेज जो है, उन रिसोर्सेज को पहले परचेज किया जाता है, फिर उनमें यूटिलिटी डेवलप्ड की जाती है, और यूटिलिटी डेवलप्ड करके उसको मार्केट में सेल्स किया जाता है। मोटिव अर्निंग प्रॉफिट, तो मैंने बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का पार्ट होने के कारण इसको अर्निंग प्रॉफिट इसका मेन मोटिव होता है। और रिस्क की बात करें, यहां पे जो सबसे बड़ा जो नुकसान अगर होता है बिजनेस में तो वो होता है मनी लॉस।
ठीक है। तो अब हमने बात की कि बिजनेस जो है, बिजनेस क्या चीज है, ठीक है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की ओर अगर हम बढ़े, इसकी अगर हम डेफिनेशन की ओर आगे बढ़े कि डेफिनेशन क्या होगी, एक परफेक्ट डेफिनेशन किसे कहेंगे बिजनेस के अंदर, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जो है, बिजनेस इज ए ह्यूमन बिजनेस इज ए ह्यूमन इकोनॉमिकल सॉरी काफी डिस्टेंस ज्यादा हो गया, आपको दिख नहीं रहा आई थिंक। बिजनेस इज ए ह्यूमन इकोनॉमिकल, बिजनेस इज ए ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, तो बिजनेस एक मानवीय आर्थिक क्रिया है, बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। देयर आर प्रोडक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर डूइंग फॉर बिजनेस इज ए ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटी देयर आर प्रोडक्शंस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड अदर एक्टिविटीज इज डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट या प्रॉफिट मोटिव। ये जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये जो भी वर्ड्स हैं जो आपको मैंने अभी एक पूरा स्ट्रक्चर जो आपको मैंने बताया था उस स्ट्रक्चर में से निकाले हुए वर्ड्स हैं। जैसे मैंने सबसे पहले आपको लिखा कि ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी, तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है ये आपको मैंने स्ट्रक्चर में बताया। सबसे पहले इनके बारे में बात की तो मानवीय क्रिया है और आर्थिक क्रिया है। उसके बाद मैंने बात की एक्टिविटी, तो आपको पता है कि व्यक्ति की जो नीड्स होती है वो व्यक्ति की नीड्स उसे एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करती है। फिर मैंने बात की प्रोडक्शन कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, देयर आर प्रोडक्शंस, तो उसमें प्रोडक्शन होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड अदर एक्टिविटी इज डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट, वो किस लिए की जाती है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, धन कमाने के लिए की जाती है। बच्चों यहां से आपको दो चीज क्लियर होंगी इस डायग्राम को मैंने अभी आपको जो बताया उस डायग्राम से। पहली चीज तो बिजनेस की जो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन हमारे सामने निकल करके आ रही है कि व्हाट इज द बिजनेस। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द बिजनेस, तो बिजनेस की डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर हो रही है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरी चीज जो है, अभी हम इसमें आगे नेक्स्ट जो स्टेप पढ़ेंगे वो नेक्स्ट स्टेप है द फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो फीचर्स कहे, कैरेक्टरिस्टिक्स कहे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वो स्ट्रक्चर को ढंग से समझा है, यहां पर बिजनेस की ये डेफिनेशंस को आप जो पॉइंट्स है वो आपने ढंग से देखा है, समझा है, और इस डेफिनेशन को अगर आपको समझ में आया है तो आपको इसके फीचर्स ऑटोमेटिकली याद हो गए। क्यों? क्योंकि पहला फीचर जो है वो है बिजनेस का क्या, बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, अर्थात व्यवसाय जो है वो एक मानवीय क्रिया है जो मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के लिए की जाती है, मनुष्यों के द्वारा सभी सजीवों के लिए की जाती है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे बिजनेस ह्यूमन बींग्स के द्वारा किए जाते हैं, इंसानों के द्वारा किए जाते हैं, कभी किसी जानवर के द्वारा आज तक कोई बिजनेस नहीं किया गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी कोई नहीं किया जाएगा।
कि कोई जानवर, कोई गधा, कोई घोड़ा आपको किसी रास्ते में, किसी सड़क पर आपको कोई चीज बेचता नजर आ जाए। नहीं, बिजनेस जो है वो इंसानों द्वारा किया जाता है और किया जाता ही रहेगा। दूसरा है, बिजनेस एक कैसी एक्टिविटी है? तो बिजनेस एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब बिजनेस, कोई भी दुकान खुलेगी, कोई भी फैक्ट्री खुलेगी, कोई भी स्कूल्स खुलेगी, कोई भी कारखाना खुलेगा, वहां पर जो भी एक्टिविटी होगी फ्री में, फोकट में कहीं नहीं होगी। कोई भी दुकानदार जब दुकान की स्टार्टिंग करता है तो वो कभी नहीं कहेगा कि हे भगवान मेरी दुकानदारी फोकट में लूट जाए, या किसी दुकान पे आज तक मैंने लिखा नहीं देखा कि यहाँ पर सामान फ्री में मिलता है, या आगे कोई दुकानदार ऐसा करे जो लाख, दो लाख, पचास लाख रुपए का सामान अपनी दुकान में भरे और फिर ये लिखे कि यहाँ पर सामान फ्री मिलता है। तो कहीं पर भी चीजें नॉन इकोनॉमिकल बिजनेस में नहीं आती है, बिजनेस में केवल इकोनॉमिकल एक्टिविटी आती है, क्योंकि मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट है। तीसरा क्या है? प्रोडक्शन। तो तीसरी इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, तीसरा जो फीचर है बिजनेस का, वो क्या है कि बिजनेस जहां भी होगा वहां पर प्रोडक्शन जरूर होगा, चीजों में, चीजों का निर्माण होगा। बिना चीजों का निर्माण किए बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक रिसोर्सेज में यूटिलिटी डेवलप्ड नहीं होगी तब तक बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस में क्रिएशन होते हैं, चीजों का निर्माण किया जाता है। आगे है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये चौथी विशेषता है, फोर्थ नंबर की एक्टिविटी है। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस में जब तक लेन देन नहीं होगा, बिजनेस और व्यापार दो अलग चीज है, अभी हम बात करेंगे आगे अगले वीडियोज में कि बिजनेस और व्यापार में क्या अंतर है, वहां पर ये चीज याद आएंगी आपको। तो बिजनेस जहां भी होता है वहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी होता है, मतलब परचेज एंड सेलिंग नेसेसरी है, इसका एक अभिन्न अंग है, इसका एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। किसी की दुकान है और उस दुकान में, उस शॉप में किसी का बिजनेस है, जब तक उसमें परचेज एंड सेल्स नहीं होगी तब तक कारोबार नहीं होगा। चाहे कारोबार किसी भी चीज का हो, वहां पर परचेज एंड सेल्स होना जरूरी है। आगे बात करें तो मोटिव, देखो ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, आगे है मोटिव। तो बता चुका कि अर्निंग प्रॉफिट, और एक चीज और कि बिजनेस जो है, बिजनेस में अगर रिस्क होती है तो रिस्क होती है मनी लॉस, ठीक है, रिस्क होती है मनी लॉस। तो इस वीडियो में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा बिजनेस और उस बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस का इंट्रोडक्शन, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी जो फीचर्स थे, उनके बारे में हमने जाना और उनके बारे में समझा। चलो तो एक बार देखते हैं पॉइंट्स के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले देखें फीचर्स, बताइए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। दूसरा टॉपिक, बिजनेस इज ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है। नंबर थर्ड, बिजनेस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हमने अगर बात की तो हमने बात की कि इसमें होता है प्रॉफिट मोटिव, हमने बात की बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव, हमने बात की बिजनेस में किसके प्रोडक्शन की बात की कि बिजनेस जहां भी होगा वहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, बिना प्रोडक्शन के बिजनेस नहीं होता। इसके अलावा हमने बात की किस चीज की, इसके अलावा हमने बात की बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होती है। बोलो बिजनेस में क्या होती है, रिस्क होती है, जहां भी बिजनेस होगा वहां पर रिस्क जरूर होगी, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि रिस्क का दूसरा नाम ही क्या है, बिजनेस है। अभी हम प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट की डेफिनेशन की बात करेंगे, प्रॉफिट क्या है अगले वीडियो में, ठीक है। वहां समझ में आएगा कि प्रॉफिट क्या और रिस्क क्या है। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इनके अलावा, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, देखो बिजनेस में ग्राहक को देवता माना गया है, ग्राहक को भगवान माना गया है, और बिजनेस वही फलीभूत होता है, बिजनेस वही आगे बढ़ता है जहां पर ग्राहक जो है, कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, उसको सेटिस्फाई किया जाता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपका बिजनेस नो डाउट ग्रो करेगा।
ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो बिजनेस कभी भी रन नहीं कर सकता। इसलिए बिजनेस जो है उसका एक फीचर यह भी है कि उसमें कंज्यूमर पर फोकस किया जाता है, कंज्यूमर्स की नीड्स क्या है, उसकी मांग क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी फैशन क्या है, उसकी आदत क्या है, उन चीजों पर ध्यान दिया जाता है और उन चीजों पर ध्यान देकर के उसी के अनुसार चीजों का निर्माण करके ग्राहकों को खुश किया जाता है, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे लेकर के नया टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।